पिछले वीडियो में हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आए थे। जो लोग जानते नहीं सिंधी कैंप क्या है, तो सिंधी कैंप जयपुर का बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड। सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनसे आप प्राइवेट बसेस की टिकट्स ले सकते हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। आज के वीडियो में हम आपको जयपुर सिंधी कैंप से चांदपुल तक लेके चलेंगे। टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले और छोले कुलचे वाले और इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग आपको सिंधी कैंप के आसपास मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं चांदपुल तक। राइट में जो रास्ता आया है वो संसार चंद रोड की तरफ जा रहा है। ये जयपुर मेट्रो की लाइन जब अंडरग्राउंड में चली जाएगी थोड़ी सी दूरी में, तो उस पर आपको मेट्रो स्टेशन चांदपोल का भी नज़र आ जाएगा और साथ ही जनाना हॉस्पिटल चांदपोल का नज़र आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा तेज़ी से। अब हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जनाना हॉस्पिटल चांदपोल का आ गया है। सामने से जो टू व्हीलर्स राइट हैंड से आ रहे हैं वो रास्ता संसार चंद रोड पर लेके जाता है। संसार चंद रोड नज़दीक में ही है। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ पानी पे जाता है और जिस तरफ ये कार जा रही हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उस तरफ चांदपोल आता है। ये सामने चांदपोल दरवाज़ा नज़र आ रहा है, चांदपोल गेट नज़र आ रहा है। आज के वीडियो में हम चांदपोल तक ही आए हैं। ये चांदपोल एरिया है। पिछले वीडियो में जयपुर रेलवे स्टेशन से ले करके हम जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आए थे और आज के वीडियो में जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड से चांदपोल तक आए हैं। ये सामने जब हम जाएंगे तो हवा महल आएगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम चांदपोल तक आए हैं और चांदपोल का ये गेट है और इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर।